गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जल्दी से अपने दोस्त को बुला लीजिए, ये क्लास अटेंड कर लेंगे। दिस इज अ न्यू टर्म विच दे विल कम टू नो टुडे, दैट इज आइस कैथेड्रल। होता क्या है ये? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लेट मी स्टार्ट द क्लास। यस, सो स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एक करंट अफेयर से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टर्म है, दैट इज आइस कैथेड्रल। इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई फाउंड दिस टर्म वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था, तो आई मेड अ गुड स्टडी ऑन दिस एंड आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ, इसके फैक्ट्स क्या है ये। ठीक है, चलिए आइस कैथेड्रल, ये दिस इज द इमेज जिसको आइस कैथेड्रल कहते हैं और इट लुक्स लाइक अ केव। देखिए आप, एक केव के जैसा है। तो आज हम लोग न्यूज में ये पढ़े हैं कि नेचुरली फॉर्म्ड आइस कैथेड्रल इन स्विस एल्प्स इज नाउ ओपन टू विजिटर्स। अब जो है विजिटर्स जो है जो नेचुरली फॉर्म आइस कैथेड्रल है जो स्विस एल्प में बना हुआ है, ये जो है विजिटर्स कॉमन लोग जो है जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी कॉमन व्यू। ये ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लाइक लेक, पॉन्ड और बीच। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक और ये किसी किसी लैंडस्केप पे ही देखने को मिलता है ड्यू टू नेचुरल फॉर्मेशंस, राइट। सो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके डिफरेंट साइज है, लाइक जैसे कि न्यूज में कहा है कि वेरिंग इन साइज एंड शेप्स। सिंस इट्स अ नेचुरली फॉर्म थिंग, सो ऑब्वियसली द साइज एंड शेप्स विल वेरी। एंड ये कहाँ पाया गया है दोस्तों? ये स्विट्जरलैंड के एल्प्स में पाया गया है, एल्प रीजन में पाया गया है। ठीक है, सो एन आइस केव, ये एक आइस केव है। केव दोस्तों एक ऐसा ऐसा दिखता है केव, केव जो आप देखो ना, जिसमें केव से समथिंग विच ऑल नो, राइट। इट्स लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो है बहुत कुछ एनिमल्स, जैसे हम लोग बचपन से पढ़े कि जो टाइगर वो केव्स में रहता है, गुफा में रहता है, तो गुफा में जो है इट्स लाइक दिस। तो देर इज एन एंट्री पॉइंट एंड इट्स डार्क इन साइज। तो आप देख सकते हो ये आइस का बना हुआ है, तो इट्स एन आइस का केव। पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा चीज जो है, वो पूरा आइस का फॉर्मेशन है, राइट। सो दिस इज एन आइस केव जिसको जो है कैथेड्रल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कैथेड्रल जो होता है चर्च में जो दिखने वाला, चर्च में जो आप जाते हो ना वहां पे, इसको जो अंदर में आप जो देखते हो उसको कैथेड्रल बोलते हैं। इसलिए ये टर्म जो है ना आइस कैथेड्रल जो है यूज किया गया है। तो बेसिकली क्या है, एक आइस केव है, एक बर्फ का गुफा है विच फॉर्म्स नेचुरली ऑन अ हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर। ये ग्लेशियर पे फॉर्म किया हुआ है विच इज ऑन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना लो है तभी ये चीज जो है मेंटेन्ड है फॉर बहुत लंबे समय तक, ये मेंटेन रहेगा क्योंकि वहां पे टेम्परेचर जो है वो बहुत माइनस में रहने वाला है। अदरवाइज जो है इफ इट मेल्ट दिस केव विल नॉट बी एबल टू फॉर्म। अगर मेल्ट हो जाएगा तो फिर दोस्तों ये केव जो है नहीं वहां पे एग्जिस्ट करेगा। सो स्विस एल्प में बना है ये, बिकेम एक्सेसिबल ऑन थर्सडे। दोस्तों थर्सडे जो है विजिटर्स के लिए ओपन किया गया है टू डिलाइट ऑफ विजिटर्स हु केम टू मार्वल एट द ह्यूज ब्लू वॉल्ट ऑफ द आइस कैथेड्रल। देखिए लाइट ब्लू कलर का है, द आइस आइस ब्लू जिसे हम कहते हैं। सो इट लुक्स इन दैट कलर, वेरी आइसी ब्लू कलर का है एंड वेरिंग इन शेप्स एंड साइज। हर साल दोस्तों ये विंटर के समय में जो है, जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है, तो इस समय में जो है आइस केव्स वगैरह फॉर्म होते हैं and every time the sizes you know vary from time to time. Rounded ceiling, आप देखो ये picture में आप देख सकते हो कि caves का जो है ना rounded, naturally जो है round shape बना हुआ है। बहुत सारे movies में आपको ये artificially बना के दिखाया गया होगा, so that you can correlate with a natural thing which is now open for public to visit. और उसका जो thickness है ना, बर्फ से बना हुआ है इसलिए बहुत, इसका जो thickness है, जो मोटापा है, वो 5 meter thick है। सो एंड 20 meters लॉन्ग है। ये जो केव का जो लेंथ है ना दोस्तों, 20 meter लंबा है। 20 meter लंबा मतलब बहुत वहां पे जाके घूम सकते हो, बहुत सारे विजिटर्स एक साथ जाके उसका एक अच्छा सा नजारा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है स्विस एल्प जो, वो फेमस क्यों है, आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा जो है इंट्रो मैं आपको दे दूं। द स्विस एल्प्स अट्रैक्ट लॉट ऑफ टूरिस्ट। ये स्विस स्विट्जरलैंड जो है बहुत ही फेमस है फॉर टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट टूरिज्म स्पॉट है ये, हम लोग सब जानते हैं। और यहाँ पे जो माउंटेन है उसका नाम है एल्प्स। सो इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ टूरिस्ट माउंटेनियर्स, यहाँ पे क्लाइंबिंग भी होती है।
बहुत सारे माउंटेनियर्स वहां पे क्लाइंब करते हैं। द स्विस पीक्स सिंस 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से यहाँ पे क्लाइंबिंग का भी जो है पेशा वहां पे क्रिएट किया गया है, एंड दे स्टिल डू। नाउ इट इज मोस्ट टूरिस्ट डू नॉट विजिट स्विट्जरलैंड फॉर क्लाइंबिंग। अब तो हमें पता है कि जो है क्लाइंबिंग के लिए ज्यादा लोग नहीं जाते वहां पे, विंटर स्पॉट्स है टूरिज्म देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, हाइकिंग, हाँ हाइकिंग वगैरह करने के लिए। हाइकिंग में होता है ना दो स्टिक लेके जो ग्लाइड करते हैं, दैट्स कॉल्ड हाइकिंग, एंड सीनिक ट्रिप्स एंड साइट सीइंग मोस्ट ऑफ दी। अगर आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ दी हनीमून स्पॉट सबका डिजायरेबल जो रहता है वो स्विट्जरलैंड रहता है, और जब से मूवी वगैरह चांदनी मूवी हम लोग बहुत पहले देखे थे कि वो उसका शूटिंग जो है वो स्विट्जरलैंड में हुआ, तो जब हम लोग ये चीज देखते हैं ना मूवी में वो चीज और फेमस हो जाता है, एंड वी ऑल्सो स्टार्ट लाइक डिजायरिंग कि हम लोग भी ये ऐसा कुछ होगा तो हम लोग विल बी गोइंग देयर। सो स्विट्जरलैंड इज बेसिकली जो इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बोला जाए तो हम लोग बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर्ड होकर स्विट्जरलैंड का मूवीज देखे हैं, जो आम आदमी है जो आम जनता है। सो दे हैव बीन नोइंग द स्विट्जरलैंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट उसका अगर ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस यही है कि वो टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, हाइकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। द स्विस एल्प्स एक्सटेंड ओवर बोथ द वेस्टर्न एल्प्स, एल्प्स वहाँ का जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है एल्प्स, और वो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एल्प्स को जो है उसे स्विस एल्प कहा गया है। ठीक है, द स्विस एल्प्स कॉम्प्राइज ऑलमोस्ट ऑल द हाइस्ट माउंटेन्स ऑफ द एल्प्स, जितने भी माउंटेन रेंज है ना वो स्विस एल्प में पाया जाता है, सच एज ड्यू फोर स्प्रिट्स, ये इतना मीटर हाइट है, डोम है, लिक्समन है, विस हॉर्न है एंड मैटर्न हॉर्न, ये सारे जो है डिफरेंट जो है माउंटेन पीक्स है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे हिमालय में डिफरेंट डिफरेंट है ना, K2 है, माउंट एवरेस्ट है, तो दीज आर द डिफरेंट हाई पॉइंट्स विच आर इन हिमालयस, वैसे ही स्विस एल्प्स के डिफरेंट सारे पॉइंट्स है जिनका ये सारा नाम है और ये सारे हाइट्स है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी पॉइंट व्यू, जो जो लोग ज्योग्राफी की वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं तो उनको ये पता होगा ये सारे रेंजेस हैं। तो ये मैं आपको एक वहां से जो एक कॉन्टेस्ट में आपको लिंक कर दी। और क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीसीज सम साइट्स हैव बीन ब्रॉट अंडर प्रोटेक्शन, कुछ साइट्स जो है यहाँ पे जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज भी कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं। द स्विस नेशनल पार्क इन ग्रोब्यूडेन वॉज एस्टैब्लिश इन 1914 एट द फर्स्ट एल्पाइन नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल एल्पाइन पार्क जो है यहाँ पे पाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, एंड एंटल बंच एरिया वॉज डेजिग्नेटेड अ बायोस्फियर रिजर्व इन 2001। बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों बहुत बड़ा एक रिजर्व होता है जहाँ पे जो ना नेचुरल लैंडस्केप्स वहाँ पे जो है बहुत सारे एनिमल्स जो वहाँ के पेड़ पौधे वगैरह को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट किया जाता है, वो 2001 में क्रिएट किया गया था। द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द कंट्री इज पार्क एला, ये सबसे ज्यादा बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीस, एंडेंजर्ड स्पीस मतलब जिन्हें डर रहता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो उसे एंडेंजर्ड स्पीस कहा गया है, विच कवर्स एन एरिया ऑफ 600 स्क्वायर फीट, और ये जो है पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है जंगफ्राउ ऑल्टेक जो है इसे फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है, वो कहाँ पाया गया है, या एल्प्स में पाया गया है, राइट। सो दीज आर दी सम ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की एंगल से आपको मैं बता दी। अब देखिए ये आइस केव्स होता क्या है, आइस केव्स जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसे केव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप जो है ये इन पे बैठ के जो है ही इज डूइंग अ पोज ऑफ योगा पोज। सो आइस केव इज एन टाइप ऑफ नेचुरल केव, ये नेचुरली बनता है, नो बडी इज मेकिंग इट आर्टिफिशियली, दिस इज बींग नेचुरली मेड। कॉमनली लावा ट्यूब्स और लाइमस्टोन केव्स दैट कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेरिनियल आइस। यहाँ से दोस्तों क्या होता है, जो रिवर रहती है ना वो वहां पे मेल्ट होकर वहां पे वहां से पास करती है, और फिर जब समर आते हैं तो वहां से रिवर जो है दे जस्ट पास थ्रू द वाटर, वहां से ड्रेन आउट हो जाते हैं, और जो वहां पे ना जो ऊपर का जो पानी रहता है वो फ्रीज कर जाता है और बीच में एक हॉलो पाइप जैसा बन जाता है, विच फॉर्म्स द आइस केव। एटलीस्ट अ पोर्शन ऑफ द केव मस्ट हैव अ टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री के नीचे तो होना ही पड़ेगा तभी जो है फॉर्मेशन ऑफ आइस इज पॉसिबल। ऑल ईयर राउंड पूरा साल ये मेंटेन रहेगा, एंड द वॉटर मस्ट हैव ट्रेवल इन टू द केव्स कोल्ड जोन, पानी यहाँ से पास आउट होता है तब जो है ये केव बनता है, राइट। इट्स अ पैसेज, जो राउंड आप देखते हो ना ये फॉर्मेशन हुआ है पाइप के जैसा एक ये केव का जो ये पाइप है उसके इससे ना पानी फ्लो ड्रेन आउट होता है, विंटर में जो है एकदम फ्रोज हो जाता है, और फिर जब पानी यहाँ से ड्रेन आउट हो जाता है तो वहाँ पे केव बन जाता है। इसको हम लोग समझेंगे अभी और आगे कि कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ है। अब इसको हम लोग कैथेड्रल क्यों कहते हैं, कैथेड्रल देखिए ये चर्च हुआ, दिस इज द चर्च,
और ये देखो आप ऐसा लेयर्स में कैसा एक लेयर जैसा बना हुआ है ना, दिस इज द चर्च, क्रिश्चियन लोग यहाँ पे पूजा करने जाते हैं एंड दिस इज अ चर्च। और आप देख सकते हो कि ये आइस का जो केव है उसमें भी जो है नेचुरली ऐसा जो कढ़ाई किया गया है, ठीक है, देखिए आप ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। तो इसे इसीलिए क्योंकि ये बर्फ का बना हुआ है और ये कैथेड्रल का लुक में है, लेयर्स वाइज इट इज बीइंग ब्यूटीफुली फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज आइस कैथेड्रल, राइट। सो एन आइस केव विच फॉर्म्स नेचुरल इन हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर इन स्विस एल्प बिकेम एक्सेसिबल ऑन 10 दिसंबर। ये 10 दिसंबर से जो है विजिटर्स के लिए जो स्विस एल्प पे विजिट करते हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट वगैरह विजिट करते हैं उनके लिए ओपन कर दिया गया है एज अ टूरिस्ट स्पॉट टू डिलाइट द विजिटर्स हु केम टू द मार्वल ह्यूज वॉल्ट ब्लू वॉल्ट इन एज आइस कैथेड्रल। इसको ब्लूइश कलर में है, इसको आइस कैथेड्रल का नाम दिया गया है। यहाँ पर डिफरेंट शेप्स एंड साइज है, यूजुअली जो है थिकनेस ऑफ द आइस इज 5 मीटर्स और कितना लंबा है, 20 मीटर लंबा है, राइट। द साइट कैन बी रीच्ड ऑन फुट ऑफ 15 मिनट्स फ्रॉम चेयरलिफ्ट। चेयरलिफ्ट दोस्तों क्या है, वो आप देखते होगे ना, वो रोप वे के जैसा रहता है एंड उसे एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जो है वो केबल कार के द्वारा उसे पहुंचे लोगों को वहां तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये ग्लेशियर से 3,000 ऊपर ऊंचाई पे लोकेटेड है। दीज आर द फैक्ट्स। और क्या चलिए जानते हैं, इट्स द फर्स्ट टाइम वहाँ के लोग क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। इट्स द फर्स्ट टाइम इंडिकेट दैट इट इज ओपन ऑफिशियली, पहली बार से खोला गया है। इससे पहले जो है रिसर्च पर्पस के लिए वहां पे जो है जाते थे लोग, बट यहाँ पे पहली बार जो है नॉर्मल विजिटर्स के लिए दिस हैज बीन ओपन एंड वी हैड अ काइंड ऑफ आइस केव, बट इट वॉज डिफरेंट, इट वॉज स्टीपर। इससे पहले भी दोस्तों जो है ऐसा केव्स था बट दैट वॉज वेरी स्टीप, नॉट वेरी मच सुटेबल फॉर आम लोगों के लिए, बहुत सुटेबल नहीं था, बहुत उबड़ खाबड़ था, बट अभी जो है सबसे स्मूथ वाला इस बार जो है बन गया है, इसीलिए इसे ओपन कर दिया गया है, ठीक है। अब अंदर में जो है वो इट्स क्वाइट फ्लैट मेकिंग एक्सेस इजियर, ये अंदर में जो है क्वाइट फ्लैट है, लोग यहाँ पे चल सकते हैं घूम सकते हैं, दैट्स व्हाई इट हैज बीन मेड एक्सेसिबल। और इस बार का जो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है उसका नाम क्या है दोस्तों, द मिल, ये आप याद रख लेना। इस बार जो आइस केव है उसका नाम क्या रखा गया है, द मिल। एंड ये बना कैसे है, सिम्फन इफेक्ट से जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है। सिम्फन इफेक्ट मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या होता है, कैसे बना है, राइट। सो ईच स्प्रिंग एंड समर द कैविटी फिल्स विद वाटर फ्रॉम द स्नो मेल्ट, जो बर्फ मेल्ट होता है उसे जो खाली जगह है वो उसमें पानी जाता है, फॉर्मिंग अ लेक, एक लेक फॉर्म होता है। और ऑटम मतलब जैसे ही गर्मी स्टार्ट होने लगती है, द प्लग डिसअपीयर्स एंड द वाटर ड्रेन आउट, वहां से जो है क्या होता है, पानी जो जो ये हॉलो सरफेस में जब पानी जाता है और जब ये सामने का मुंह जब खुल जाता है तो यहाँ से क्या होता है, पानी जो है ड्रेन आउट कर जाता है, लीविंग अ हॉलो स्पेस। ये जो है पूरा यहाँ पे जो हॉलो स्पेस केव के अंदर हॉलो स्पेस हो जाता है ग्लेशियर से, ठीक है। और ये जो पूरा जगह है ना, देखो अब यहाँ पे एक हॉलो स्पेस बन गया, राइट, और ये जो है केव का फॉर्म हो गया। और क्यों, क्योंकि यहाँ से पानी जो है निकल के ड्रेन आउट हो गया, पास के एरिया में निकल गया, तो ये जो पूरा राउंड सरफेस हो गया ये केव का रूप ले लिया। और ये सिम्फन इफेक्ट से बना है। सिम्फन इफेक्ट क्या है, देखिए आप पढ़िए ये क्या है। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सिम्फन इफेक्ट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर pushes the liquid up and gravity pulls down. Atmospheric pressure की वजह से दोस्तों पानी जो है ऐसे करके अप जाता है, ठीक है, ग्लेशियर से, और वो जो है ग्रेविटी की वजह से जो है वो नीचे फिर से ड्रेन आउट हो जाता है, राइट, और ये फिर लोअर स्लोप्स में जो है ये पानी बह के निकल जाता है। अब यहाँ पे एक लेयर जो है, जो अभी हम लोग ने पढ़ा कि ये 5 फुट मोटा है, तो क्योंकि पकड़ लीजिए बहुत मोटा है, यहाँ से पानी जो है पास आउट कर जाता है, लेकिन क्योंकि पूरा बर्फ बना हुआ रहता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे लेक जो है फ्रीज हो जाते हैं, ऊपर से आपको लगेगा कि वो पूरा फ्रोजन है बट अंदर में उसके अंदर पानी रहता है, तो इन दैट सिनेरियो के तो अपर लेयर जो है बहुत ठंड से एक्सपोज रहता है, इसलिए एक लेयर जो है वो पूरा हार्ड हो जाता है बट अंदर में जो है वो पानी रहता है, वो पानी क्या होता है मेल्ट होकर निकल जाता है सिम्फन इफेक्ट की वजह से, और फिर ये केव का फॉर्म ले लेता है। दिस इज हाउ केव का फॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। द सिम्फन इफेक्ट व्हेन पर्टेनिंग टू रिमूविंग द पॉन्डिंग वाटर फ्रॉम फ्लैट रूफ इज क्वाइट सिंपल। वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम एन एरिया अंडर हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो यहाँ से जो है आप देखो, यहाँ से जो है पानी फ्लो करके लोअर प्रेशर ग्रेविटी की वजह से जो है ऐसे करके पानी ड्रेन आउट हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर का जो एरिया रहता है वो फ्रोजन हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ केव। The natural cave is also known as the mill. यहाँ पे इस cave का नाम क्या दिया गया है, the mill, which forms through a symphony effect. किस effect से बना है दोस्तों, symphony effect से। Each spring and summer the cavity fills with water from the snow melt, forming a lake. In autumn वो पानी जो है निकल जाता है, that results in formation of this cave. ठीक है।
दिस इज हाउ इट लुक्स. हम लोग तो अभी विजिट नहीं कर पाएंगे, बट आई कैन गेट अ पिक्चर फॉर यू. आप देखो, ये बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू है जो हम लोग कभी देखने को आसानी से नहीं मिलता है. एंड इट्स रियली वंस इन लाइफ टाइम व्यू. तो एंड आई रियली गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस टर्म ऑफ आइस कैथेड्रल. और जब वहाँ पे जब विजिटर्स सब विजिट किए, उन्होंने क्या कहा कि इट्स अ मैग्निफिसेंट एंड वेरी इंप्रेसिव व्यू, राइट? एंड द वॉल्ट इज इनक्रेडिबल. उसके नीचे जो लोग खड़े थे उन्हें निहार रहे थे, देख रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कभी उन्होंने कभी नहीं देखा है. एंड इट इज वंस, कभी कभी ऐसा चीज फॉर्म होता है, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग. दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स फॉर बींग इन्फॉर्मेटिव अलॉन्ग विद मी. बाय बाय. गुड नाइट.